ले आए? हाँ ये अभी दिखाते हैं क्या क्या है ये और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। भाई आज 2 दिसंबर है ना 2 दिसंबर है तो मतलब हमें घर धीरे धीरे सेट करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपको दिखाया था अभी कि हम लोग घर में अपना एक बैग तो रख के आ गए थे पर धीरे धीरे करके सब चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई और इंटरनेट हो गया। तो पहली चीज़ जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है इंटरनेट का। यहाँ पर तो इंटरनेट का यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अगर इंटरनेट रेडी है इसका मतलब है कि सारी वायरिंग फाइबर वगैरह सब कुछ है, सॉकेट है आपके कमरे में, तो आप डायरेक्ट जाके प्लान ले सकते हो। उसमें आपको कोई चार्जेस सेटअप चार्जेस वगैरह नहीं देने होते। तो इस तरह से ये डब्बा जो है मैंने फ्रीडम का ऑप्ट किया है क्योंकि जैसे हम लोग नोएडा में थे तो नोएडा में 100 Mbps की स्पीड थी और वो बहुत ही बढ़िया स्पीड थी हम लोगों के लिए। फ्रीडम जो है वो शॉ की है, मतलब शॉ भी एक बड़ी कंपनी है यहाँ पर कम्युनिकेशन की, तो शॉ की सब्सिडियरी फ्रीडम है। तो वैसे तो टेलस वगैरह में अपने को 2500 Mbps और बहुत तगड़े तगड़े 5G वाले प्लान मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसलिए मैंने फाइनली फ्रीडम का मुझे सही मिला। ये $60 पर मंथ में 150 Mbps है और अनलिमिटेड डेटा है और इसमें करना भी कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल इसको खोलेंगे, अभी खोल के दिखाते हैं इसमें है क्या। ये आई थिंक ये राउटर की तरह ही रहेगा और घर में हमारे सॉकेट्स हैं तो ये हमें अपना कनेक्ट करना पड़ेगा इस बॉक्स को और कनेक्ट करते ही वी आर गुड टू गो। ये देखो ये इस तरह से होता है तो इसको आप इस सॉकेट से अपने अभी आपको दिखाऊंगा इस तरह से वायर निकाल के आप जोड़ सकते हो और आई थिंक इसमें लैन केबल्स भी, अगर किसी को लैन केबल से डायरेक्ट यूज़ करना है तो इसमें लैन लगा के वही राउटर जैसे अपना होता है उस तरह का यहाँ पर ये इस तरह से होता है। और बाकी इसमें मैनुअल वगैरह यहाँ पर ना कनाडा में ज़्यादातर चीज़ें DIY ही रहती हैं तो आपको हर चीज़ के लिए मैन पावर नहीं मिलेगी कि आपका कोई सेटअप करके जाए कोई कनेक्शन करके जाए, तो यहाँ पर हर चीज़ DIY है तो मैनुअल हर चीज़ के होते हैं। इसको लेके जाएंगे आज घर सेटअप करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा चल रहा है, आपके सामने ही होगा सब कुछ जो भी होगा। दूसरी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जैसे अपने इंडिया में कनेक्शन का बड़ा इतना लंबा प्रोसेस है क्योंकि सारी सरकारी कंपनीज हैं, कोई रिटेलर्स नहीं होते प्राइवेट वाले। आई थिंक अब दिल्ली में तो रिलायंस वगैरह है तो यहाँ पर रिटेलर्स का ही सिस्टम है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि एपकोर करके जो कंपनी है उसका अभी इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में है बट उन्होंने बताया क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ता है तो वी हैव टू गो फॉर एटको। तो एटको का हम लोगों ने प्लान फिर फाइनली लिया है और उसके लिए भी कुछ नहीं करना होता है, एक वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्टर करो और उनको चैट वगैरह पर जाके बता दो तो वो भी आपका रजिस्टर करवा देंगे, तो आप खुद भी कर सकते हो। उसमें डेट वगैरह होता है, मूव इन डेट क्या है, तो मैंने 5 दिसंबर सेलेक्ट किया था क्योंकि 10 दिसंबर तक तो ये घर है हमारा, तो 5 दिसंबर को मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है, उस यूनिट में हमारे घर में एटको की इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। 5 तारीख से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चालू हो जाएगी बट अभी जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कंटिन्यूअस थी वो अभी है बट शुरू के 5 दिन का चार्जेस वो मैं उनको पे करूंगा, बाकी एटको का मेरा खुद का बिल आएगा। तो बस अब कॉफ़ी पी के निकलते हैं हम लोग, अपने ये फ्रीडम के इंटरनेट को सेट करते हैं घर में, उसके बाद का आगे का क्या है वो आप देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग ना जैसे सामान इकट्ठा कर रहे हैं अभी घर के लिए, तो जैसे अपना मिक्सर होता है, जैसे हम लोग को यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर ना हर चीज़ के कई टाइप हैं, जैसे आलू है तो वो हर कलर का आलू है, मिल्क है तो 1%, 2%, 0%, 3%, 3.5% इस तरह का मिल्क है, अनियन है, रेड है, वाइट है, स्वीट है, क्या क्या है। तो इसी तरह मिक्सर भी, हमारे किचन का मिक्सर पता है कि एक ही होता है इंडिया में, उससे अपना सब कुछ हो जाता है, बट यहाँ पर कॉफी ग्राइंडर, स्पाइस ग्राइंडर, ड्राई ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर, ब्लेंडर और न जाने क्या क्या, तो वो बड़ा देखना पड़ा था। यहाँ पर प्रीति नाम का एक ब्रांड है अपने इंडिया, इंडियन टाइप का ही है, तो वो बहुत महंगे थे, जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड जो मिक्सर्स होते हैं ना वो जो देते हैं वो करीब $150-$200 का था ना वो था, तो वो तो लेना नहीं था क्योंकि वो तो ओवर प्राइस लग रहा था। तो हम लोगों ने फाइनली अभी एक $50 का आता है कॉफी ग्राइंडर है, कॉफी और स्पाइस ग्राइंडर, ड्राई और वेट दोनों होता है उसमें, वो मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से और वो पड़ा मुझे करीब वही $50 के आसपास का, बहुत सही है। तभी देखते हैं वो कैसा है, छोटा है, हमें जरूरत छोटे की हमें कौन सा वहां पर बारात बिठानी है, तो सही है ना। अभी देख माइंडफुली चीजें खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया मिक्सर चाहिए तो बड़ा वाला ही ले लो, छोटा मिल रहा है वही उससे काम चला। और ये जो है आइटम वो US से आया है तो उसका थोड़ा इम्पोर्ट चार्जेस मैंने क्या कुछ तो $1-$8 और जोड़ा था बट सही है। ये निकला सिक्योरा कंपनी का है, सीधा करो। ओवरहीट प्रोटेक्शन, 200 watt पावरफुल मोटर, कॉर्ड स्टोरेज बेस, इजी टू क्लीन,
टू ब्लेड ग्राइंडर, अच्छा दो, हाँ दो बाउल है इसमें, ड्राई बाउल अलग से है, एक ये ब्लेड है एक ये ब्लेड है, एक टू ब्लेड है एक फोर ब्लेड है, ब्लेड है। तो मतलब ऊपर वाला जो डबल ब्लेड है वो ड्राई बाउल है, हाँ। और वेट बाउल मतलब अपना अपना जो इंडिया का है वो तो वेट ही रहता है, वो टमाटर हो गया। अच्छा ये लेड है, इस लेड को ऊपर से ढक्कन बंद करोगे तभी चलेगा। अरे वाह, तो ये है मतलब ये इतना छोटा सा अपना मिक्सर है और ये सारा वायर जो है इसके अंदर आ जाएगा, तो वायर संभालने का मेरा टेंशन नहीं है, निकालो यार यहाँ से निकाल के अपना सॉकेट में लगाओ। हाँ ये इंडियन स्टाइल वाला है, ये देखो ये चार ब्लेड है इसमें अपना वेट ग्राइंडिंग वगैरह, और ये सबसे अच्छी बात तो ये पूरा अलग होके इसको आप आराम से धो भी सकते हो, ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। तो हम लोगों ने जो अपने उस दिन ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह जो डाले थे सब घर के सामानों के, तो उसमें आइकिया से हमें जो गद्दा लेना था वो ख़त्म हो गया था उस टाइम पर, तो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी उसकी। फिर हम लोगों ने फाइनली अमेज़ॉन से ऑर्डर किया जो दिखा रहा था कि 12 दिसंबर को पहुँचाएगा, तो हम लोग तो काफ़ी परेशान थे कि गद्दा सबसे लेट आएगा, बट लकीली आज 4-5 दिसंबर ही है और सबसे पहले जो आइटम आने वाला है वो गद्दा ही है, और हमारे पास वो मैसेज आ गया कि आउट फॉर डिलीवरी है। तो हम लोग अभी ऑफिस का काम घर से ही कर रहे थे सर्विस अपार्टमेंट से, तो अब हम लोग सीधा भाग रहे हैं सारा ज़रूरी सामान लेके अपने घर की तरफ, क्योंकि आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है ऑलरेडी। जो यूजुअली जो डिलीवरी है अमेज़ॉन की और ये सब, यहाँ का हमें आइडिया नहीं है, बट विद इन 2 डेज हमें उसने डिलीवर कर दिया है, और आइकिया का तो लाइक एक दिन बाद ही हो गया है। हाँ आइकिया का भी जो भी सामान है वो आज ही, अभी जैसे कितना बजा हुआ है, 10-11 ही बजा होगा, 10:41 है, तो आइकिया का सामान भी जो है वो 1 से 5 बजे तक के बीच में मेजर जो सामान है वो आ जाएगा। तो अगेन वेलकम बैक टू आवर स्वीट होम, होम स्वीट होम। तुम वो लगा लो सामान वामान बैग से निकाल के, मैं तब तक इंटरनेट सेटअप कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट इसमें लग जाएगा ना? वहाँ वहाँ यहाँ पर ना इस तरह से कुछ है, इसमें हमें सेटअप करना पड़ेगा। एक बार मोबाइल में ट्राई करता हूँ कनेक्ट करके। तो अब हम लोगों का जो है वो सेटअप हो गया पूरा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मतलब थोड़ा टाइम भी, उसमें ब्लिंक होती रहती येलो लाइट, उसके बाद एकदम से व्हाइट लाइट स्टेबल हो जाती है, इसका मतलब है कि चालू हो गया। ये देखो ये चालू हो गया है और इंटरनेट वगैरह बढ़िया यूज़ करके भी देख लिया, सब सही चल रहा है। यहाँ पर इसको इंटरनेट का कनेक्शन दो और यहाँ पर उसको दो पावर का कनेक्शन। अरे यहाँ के घरों में ना एक बात और है इंटरेस्टिंग, जैसे ये आप सॉकेट देख रहे हो, अपने इंडिया में ना कितना सोच सोच के कि बेड के बगल में हो, नीचे हो, ऊपर हो, बहुत करना होता है, फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लगवा पाते। बट यहाँ पर मैंने देखा एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, तो जो ये सॉकेट होते हैं ना इनका कोई बटन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह अलग मटेरियल से है और वोल्टेज भी डिफरेंस है। जैसे इंडिया में 220 वोल्ट आता है और यहाँ पर 110 वोल्ट आता है, पता नहीं क्या रीज़न है, यही रीज़न होगा मे बी। बट यहाँ पर ना ये हमेशा ही ऑन रहते हैं, इनका कोई बटन नहीं होता, तो पहली बात तो जगह नहीं घिरती है कुछ, दूसरा कुछ स्पार्किंग वगैरह का भी रिस्क नहीं है क्योंकि हमेशा ऑन है, तो ये बहुत नॉर्मल है यहाँ के लिए। और ये इतने सारे सॉकेट देते हैं घरों में कि आपको फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, अगर कुछ आपको लाना है कोई भी इक्विपमेंट लगाना है तो आप ईजिली लगा सकते हो। जैसे इसी कमरे में 1, 2, 3, 4 दो वहाँ पर है, तो 4 और 4 8 और ये 2 यहाँ पर हैं, तो 10 सॉकेट यहीं पर हैं। सही है, निचुड़ भी जाएगा बढ़िया और अच्छा है यार, तो बढ़िया है यार, बकेट की जरूरत ही नहीं है। सही है, ये टेबल है हमारी, टुकड़े आए हैं, ये आई हैं चार चीजें, यहाँ पूरा होगा कि कैसे क्या करना है। लेट्स सी व्हाट्स देयर। आ गए भाई मजा, ये अपने नाम और अपने एड्रेस पे पहली चीज। कांग्रेचुलेशंस। इजी डूड, इजी। कंपनी है।
गया भाई, अभी टेंशन हो गई थी, ऐसे 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 करके ऐसा रोज करके दिया ना, हमें लगा कि चौड़ाई तो जरा सी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई थी, बहुत ढाई ढाई इंच की मुश्किल है, ये तो 5 इंच भी नहीं है, ढाई है कैसे, लोगों ने इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक करके दिया है, हम लोग कह रहे पता नहीं क्या है ये। गुड थिंग इज अब हमारा आईकिया वाला भी आ गया है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बाकी चीजें भी देखने मिलेंगी, अभी आईकिया का भी सामान आ गया भाई लोग। एक लैंप आया है और आई थिंक सोफा आया है और बोर्ड आया है, आएगा अभी देखा था मैंने, वो डिवाइड होके ही आएगा, ये क्या चीज़ है। तो जो आइकिया का हमारा ऑर्डर आया उसमें एक लैंप इतने छोटे से में पैक है, एक लैंप इसमें है, ये हमारे स्टूल की गद्दी है, स्टूल अभी नहीं आया, स्टूल का तो डिलीवरी आई थिंक 3-4 दिन बाद है, हैंगर का सेट आ गया, एक अपना है, एक मोनिश का है, आयरन बोर्ड ये रहा, और फिर हमारा इसमें आ गया है सोफ़ा। अब हमारे पास और हमें टास्क असाइन कर दिया है आइकिया ने, इसको असेंबलिंग करेगी पूजा, इस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है इस बुक में लिखा है, और मेरे वाले की असेंबली किस तरह से है वो यहाँ पर है, अभी क्या फाइनल रिजल्ट रहेगा वो अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? तो ये ऑलरेडी सेट हो गया है अपनी जगह पे, और इसका ये तो यूनिवर्सल है इसका बल्ब, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रीडिंग बल्ब अलग आते हैं इसमें, वो उस तरह के थ्रेड नहीं है जो यूनिवर्सल वाले होते हैं, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। बाकी ये हमें इसकी डील मिली थी $19 की आइकिया में, ये वाला जो है ये आई थिंक $12 का था, जिसमें विश अभी जूझ रहे हैं। अपना लैंप नंबर 2 भी अब रेडी है, लैंप नंबर 2, लैंप नंबर 1 भी इसमें लग गया है। तो एक्चुअली होता यह है कि E26 बल्ब जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, तो वो सब में लग जाते हैं, बट स्मॉलर अगर आपको चाहिए तो E12 बल्ब होते हैं, तो E12 बल्ब अभी मैं डॉलर मार्केट जाके उठा के ले आऊँगा, तो दोनों बल्ब चल हो जाएंगे। अब हमारा मेन आइटम, सबसे बड़ा आइटम सोफ़ा, अब सोफ़ा सेट हो रहा है, ये रहा हमारा सोफ़ा, सही है, आइकिया जिंदाबाद। अभी ये वाला जो लैंप है ये इसको कमरे में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर तो डबल बल्ब वाला लैंप हो जाएगा। कल जो मटर पनीर की सब्जी बनाई थी हम लोगों ने, अब हम लोग यहीं पर खा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों की पहली मील रहेगी यहाँ पर, हालांकि बनाया नहीं है लेके ही आए हैं, आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। वहाँ से लैंप हटा के इस रूम में कर दिया है, और ये रूम देखो कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें बस, और वैसे भी स्टूडियो में ये रूम मिल गया यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अभी लिविंग रूम में ही सब कुछ रखा होता, और ये कुछ इस तरह से अभी भी वो अलग बहुत अभी नहीं है, अभी लेके आएंगे। तो मैं अपना उपमा ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाली हूँ, जो कि इस लड़के ने बनाया है, और ये लड़का अब सारा सामान पैक कर रहा है, बिकॉज आज हमें जाना है अपने घर।